पहले ऐसा लगता था कि सुबह कितना जल्दी नहीं उठ पाती थी मैं, पहले 7-6 बजे उठने का तो मेरे को ऐसा लगता था कि इतना जल्दी कैसे उठ पाते सब लोग। अभी 5 बजे उठने का भी मेरे को एकदम इजी लगता है और अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं अभी उठने का टाइम हो गया है, उठ जाती हूँ एकदम। मेरा नाम अनसुईया पटेल है, मैं पुणे से हूँ। मैं ध्यान में लगभग 4 साल से आई हूँ और कोरोना के टाइम पे रोज ऐसा देख रही थी, मेरे को मेडिटेशन करने का था पर किसका करना वो मैं ढूंढ रही थी। तो उसमें यूट्यूब चालू था मेरा, तो यूट्यूब में मैं पत्री जी को देखा तो उसने बोला कि कुछ नहीं करने का है, हाथ फिंगर्स लॉक करने की है, पाए लॉक करने का है, आँखें बंद करने की है और कुछ भी नहीं करने का है। मैंने बोला ऐसा कैसा है, ये ध्यान तो बहुत अच्छा। और बोला कि ऐसा नहीं कि फिक्स यही जगह पे करने का, कि इधर पे आपको मन लगे उधर करने का है, रूम में हॉल में, मात्र बेड के ऊपर सोते हैं उधर नहीं करने का है, और कुर्सी पे बैठो, सोफा पे बैठो, किधर भी बैठो, पर आप एकदम रिलैक्स अवस्था में बैठ के करने का है ऐसा बोला। तो मैंने बोला ये तो बहुत ईजी है, ये हम कर सकेंगे, उसका टाइमिंग भी नहीं, तुम्हारे को जब भी टाइम मिला तभी करने का है। तो मेरे को बहुत पसंद आया। तो मैं कोरोना के टाइम में यूट्यूब देख के, पत्री जी का देख के मैं शुरू किया। उसके बाद मेरे को हितेश वशिष्ठ जी का वीडियो देखा, बाद में मैं रोज हितेश वशिष्ठ जी है वो, उनको मैं फॉलो करती थी, तो उसका मैं वीडियो देख के रोज़ मेडिटेशन करने को बैठने का चालू किया कोरोना के टाइम पे। तो मेरे को तभी से चालू किया है, तो आज तक मैं 5 बजे सुबह उठ जाती हूँ। पहले ऐसा लगता था कि सुबह कितना जल्दी नहीं उठ पाती थी मैं, पहले 7-6 बजे उठने का तो मेरे को ऐसा लगता था कि इतना जल्दी कैसे उठ पाते सब लोग। अभी 5 बजे उठने का भी मेरे को एकदम ईजी लगता है और अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं अभी उठने का टाइम हो गया है, उठ जाती हूँ एकदम। पहले मेरा स्वभाव गुस्सा वाला था और उसके बाद जब ध्यान करने को लगी तभी से थोड़ा स्वभाव शांत होने लगा है, पॉजिटिविटी बहुत आने लगी है और ऐसा लगता है कि सब हो जाएगा, पॉजिटिव, हर बात में पॉजिटिव रहती हूँ। अभी हम ध्यान के लिए ऋषिकेश गए थे, जब भी पत्री सर को हमें मिला था तभी पहली बार मिले हम, उसके साथ ध्यान करने में बहुत ही बढ़िया अनुभव हुआ। शरीर में हमारा जो चक्र है षट चक्र वो भी वाइब्रेट होने लगा था, तभी शरीर भी हिलने लगा था, बहुत अच्छा लगा। और एक दिन उसके हाथ में मेरा हाथ भी मैं ऐसा सेकंड किया और तभी भी मेरे को बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग आई। और उसके जब भी ऐसा देखता था पत्री सर को, हम देखते ही रहते थे, पत्री सर आरती के लिए गए थे गंगा जी के उधर, तो हम भी उसके साथ गए थे और बहुत अच्छा लगता था। बस ऐसा लगता था कि पत्री जी सर को हम देखते ही रहे, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ था तभी। ध्यान प्रचार मेरा एक ग्रुप है, योगा ग्रुप है, गीता वर्क का एक ग्रुप है, बीसी का ग्रुप है, तो जिधर जाती हूँ उधर मेडिटेशन के बारे में, पत्री जी के बारे में, पिरामिड के बारे में सबको बताती हूँ कि बहुत अच्छा है, करने जैसा है। मैं करती हूँ तभी से मेरे को बहुत अच्छा अंदर से फायदा हो गया है, मन शांत हो गया है, तो सबके लिए बहुत ही अच्छा है मेडिटेशन। अभी हमारे घर में शंभुनाथ पिरामिड एक हॉल किया है घर में, उसको 2-3 महीना हो गया है। पहले हम पिरामिड सिवाय ध्यान करते थे, पिरामिड की कैप पहन के करते थे, तभी वाइब्रेशन मिलता था पर नॉर्मल था। पर अभी जब ही पिरामिड के नीचे जब हम ध्यान करते तो पूरा शरीर हमारा मेरा वाइब्रेट कर होता है और मूलाधार चक्र से लेके षट चक्र एकदम वाइब्रेट करता है, एक एक चक्र अंदर से खुलता है और वाइब्रेट करता है, बाद में पूरी मेरी बॉडी भी हिलती है, उतना मेरे को अनुभव पिरामिड से होता है और बहुत अच्छा लगता है पिरामिड के नीचे ध्यान करने से। और उसका फ़ायदा लगेज समझता है कि नहीं पिरामिड में इतना फर्क है, उतनी ऊर्जा अपने में आती है।
तो बहुत अच्छा लगता है पिरामिड के नीचे ध्यान करने से। मैं पहले से वेजिटेरियन हूँ और नॉनवेज जो बात आती है तभी हम उसके ऊपर उसके बाजू में हम देखते भी नहीं है। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके जो प्राणी के हम जब काटते हैं तो उसका जो फीलिंग है और उसका जो त्रास जो उसका नेगेटिविटी जो है वो लगेज अब जो खाता है उसके अंदर आता है और तामसी विचार आ जाता है उसके जीवन में और बहुत सारी बीमारी पण हो जाती है। तो नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, हमेशा वेजिटेरियन खाना चाहिए और सबको मेडिटेशन करना चाहिए। जिंदगी में बहुत अच्छा बदलाव आता है, जो हम चाहते हैं वो आपोआप हो जाती है, उसका बहुत ही फायदा है। पिरामिड का अनंत गणे फायदे है, तो सभी को पिरामिड ध्यान करना ही चाहिए और प्रचार प्रसार करना चाहिए। धन्यवाद।